गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल आज की आप लोगों शेयर करने वाली हूं कि अपने बालों को बहुत जल्दी लंबा कैसे कर सकते हैं अपने हेयर फॉल को स्टॉप कैसे कर सकते हैं और इस विंटर की सीजन में अपने बालों का प्रॉपर तरीके से केयर कैसे कर सकते हैं लॉन्ग हेल्दी और शाइनी हेयर मिलेंगे आपको वो भी एक इंग्रेडिएंट से जो आपके किचन में हमेशा अवेलेबल होता है सो गाइस रेड अनियन में वो वो चीज़ें पाई जाती है वो वो न्यूट्रिशन जो हमारे बालों को जड़ से स्ट्रॉन्ग बनाती है एंड बहुत अच्छे तरीके से लंबे कर लेती है बहुत जल्दी हमारे बालों को ग्रो करती है सबसे पहले मैंने पे एक मैशर ले लिया है, फिर एक रेड अनियन लिया है मैंने यहाँ पे अब हम सबसे पहले रेड अनियन को पील करेंगे रेड अनियन इजिली घर पे अवेलेबल होता है रेड अनियन मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि रेड अनियन में वो वो न्यूट्रिशन होती हैं जो बाकी वाइट अनियन या नॉर्मल अनियन में नहीं होती इस वजह से मैंने यहाँ पे रेड अनियन लिया है आई नो कुछ लोगों को इसकी जो फ्रेग्रेंस है जो स्मेल है अनियन की वो नहीं अच्छी लगती बट उसके लिए मैं आपको एक आइडिया बताऊंगी आप वो भी यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले हम अपने अनियन को दो पीसेस में कट कर लेंगे फिर ये जो हमारा मैशर है इसके ऊपर यूं यूं रख के हम इसे अच्छे तरीके से क्रश करेंगे फिर गाइस मैंने अपना हाफ कर लिया और अब मैं सेकंड हाफ जो है वो करूंगी फिर गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से मैश हो गया है थोड़ा सा अंदर भी लगा हुआ था उसके तो मैंने वो भी सारा अच्छे तरीके से क्लीन करके फिर प्रॉपरली प्लेट में निकाल लिया है अब गाइस हमने इसका जूस निकालना है और उसके लिए आपको कॉटन का कपड़ा चाहिए सिल्क का लेकिन मेरे पास अभी मुझे वो कहीं मिला नहीं तो मेरे पास ये नेट का एक जो हेयर uh, ड्रेसर टाइप का होता है वो था मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो मैंने यही यूज कर लिया आप किसी भी किस्म का कपड़ा यूज कर सकते हैं बट मेक श्योर लाइट कलर वाला ना यूज़ करिएगा वरना उस पर स्टेन कभी भी नहीं उतरेगा फिर हमने इसको यूज स्क्वीज़ करके इसका जूस निकालना है अच्छा तो एक, एक इसको स्क्वीज करके इसका जूस निकालना है हमने अनियन वाटर को अप्लाई करने वाला वो बॉयल वाला प्रोसेस भी होता है लेकिन वो बॉयल वाले प्रोसेस में जो इसकी न्यूट्रिशंस होती हैं जो हमारे बालों को जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो बॉयल करते करते ही एयर में ही उड़ जाती है तो इस वजह से बेहतर यह है कि आप इस आ, अप्लाई अप्लाई करने की से इसको करें अदरवाइज़ सेकेंडली uh, जो बॉइल वाला तरीका है इसका वो बिल्कुल भी आपके बालों को जल्दी ग्रो नहीं करेगा एंड ऑल्सो आध सारा सामान उसमें आपका वेस्ट हो जाता है फिर गाइस यहाँ पे जो जूस है मैं इसको एक uh, दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर दूंगी अब गाय बात आती है कि कुछ लोगों को इसकी स्मेल नहीं पसंद तो उसके लिए आप इसके अंदर रोज मेरी से दो ड्रॉप डाल सकते हैं अपने बालों को सबसे पहले करें और एक कॉटन की हेल्प से इसको अपने रूट्स में अप्लाई करना है आपने और इसको अपने रूट्स के साथ साथ जब रूट्स में अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए तो फिर अपने बालों की हल्का हल्का अपने बालों की लेंथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं दो से तीन घंटे छोड़ने के बाद आपने अपने बालों को कर लेना शैम्पू एंड कंडीशनर एंड दैट सेट अपने बालों का इस विंटर में ख्याल रखिएगा और साथ साथ अपना भी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन क्लिक करिएगा हाफिज़